ये प्रभु लक्ष्मण राव और ग्रामीण एमएलए बसवराज मतिमुड को कानून का डर नहीं है। इसको कानून का डर हम अब सिखाते, कानून क्या है। हम बाबा साहब संविधान समानत और कानून के दायरे में काम कर रहे। इन्हों जो काम कर रहे अनलीगल दादागिरी करके पूरे हफीसरा को डरा रहे। बसवराज मतिमुड के पास जो खड़ा है ये इंसान प्रभु लक्ष्मण राव है, ये बहुत बड़ा चोर है। वो जगह हना दिए, अगर वो जगह पे कल्याण मंडप बंधे तो वहाँ गोर गरीब और दलित के घर में पानी जाता बोल के ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऑफिसर लेटर दिया है। किसको? डीसी मैडम को और सनूर पंचायती को, तालुका पंचायती एसी मैडम को देने के बावजूद भी आज उस जगह पे कल्याण मंडप बनता बोले। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपरमार्केट गुलबर्गा। मैं राम राठौर, मैं समाज सेवक। यहाँ पत्रिका भवन में आने का एक वजह है, हमारा नौ महीने से हमारा स्ट्राइक चल रहा है क्योंकि सेडम रोड कालनूर तांडा बोल के कालनूर गांव दोनों अटैचमेंट में वहाँ पे एक गवर्नमेंट हना दिए, गवर्नमेंट लैंड है। वो गवर्नमेंट लैंड बोले तो वहाँ नाली है गरीब लोग को जाने के लिए आने के लिए। वो अनलीगल जगह पे गवर्नमेंट जगह पे हना दी पे ये प्रभु लक्ष्मण राव बोल के ये ग्रामीण एमएलए बसवराज मतिमुड़ का इन बलगई बंट क्या आज उसको ताकत है। आज पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर को डरा के वहाँ काम अनलीगल विदाउट परमिशन का बना रहा बोले तो उसको सपोर्ट ग्रामीण एमएलए बसवराज मतिमुड़ मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। ये देखिए बसवराज मतिमुड़ के पास जो खड़ा है ये इंसान प्रभु लक्ष्मण राव है, ये बहुत बड़ा चोर है। क्या चोर है बोले तो ये प्रभु लक्ष्मण राव या बसवराज मतिमुड़ का मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, मैं समाज के लिए गोर अमाम गरीब के लिए मैं ओराटा करूं। जो इस जगह पे वो कल्याण मंडप बनता है क्या, अगर वो कल्याण मंडप बन दे तो वहाँ कितना प्रॉब्लम होता गोर गरीब को, मैं आपको तुम्हारे माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये देखो ये जीपीएस फोटो है, 9 महीने के पीछे जीपीएस फोटो बोले तो ये लोकायुक्त में केस चल रहा, लोकायुक्त में केस चल रहा तो भी उसको किसका भी डर नहीं है। प्रभु लक्ष्मण राव ये माजी टीपी संघ परिवार फिर ग्रामीण एमएलए बसवराज मतिमुड़ को भी डर नहीं है। इतना रहने के बावजूद उसके एरिया में ग्रामीण में रहने के बावजूद भी उसके कार्यकर्ता को समझाता नहीं है। पहले का फोटो नेक्स्ट ये जो इंसान बीच में खड़ा ये कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, ये मामले नहीं है, ये जो है सनूर पंचायती का बिल कलेक्टर है, उसने ही मेरे को जीपीएस फोटो डाला रामचंद्र बोल के पीडियो है। जीपीएस फोटो डालने के बाद एक महीने रुका था फिर उसमें चालू करता। अभी का रियली पोजीशन कल्याण मंडप का मामू ये देखो, देखो अभी का क्या है, ये पानी का टैंकी है। आपके मार्गदर्शन में मैं जानने के चाहता हूँ पानी का टैंकी कहाँ रहता, गांव के बाहर रहता। देखो जहाँ कल्याण मंडप बन रहा 5 फीट दूर भी नहीं है पानी का टैंकी, उसके पीछे जो व्हाइट व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा वो स्कूल है। स्कूल बोले तो कल्याण मंडप कौन सी जगह रहता, जहाँ मैदान है जहाँ गार्डन सिटी है वहाँ रहना। स्कूल से 10 फीट स्कूल कल्याण मंडप से डिस्टेंस खाली 10 फीट क्या है स्कूल है। कल्याण मंडप में शादी होने दो, कोई बर्थडे रहने दो, डीजे लगाते आर कृष्णा लगाते, बच्चे लोग को डिस्टर्ब नहीं होता। इसके वजह से ये देखो वहाँ का हकीकत है। इतना पीडब्ल्यू अधिकारी जाके गुलबरा उस्तुवारी प्रियंका खड़गे साहब को जाके हम मनी पत्र से डीसी मैडम को दिए, कमिश्नर मैडम को दिए, तो भी उन्होंने इसको कोई डर, कानून का कोई डर नहीं है। ये प्रभु लक्ष्मण राव और ग्रामीण एमएलए बसवराज मतिमुड़ को कानून का डर नहीं है। इसको कानून का डर हम अब सिखाते, कानून क्या है, बाबा साहब का संविधान में क्या ताकत है। वो कानून अभी बसवराज मतिमुड़ एमएलए को फिर माजी टीपी प्रभु लक्ष्मण राव को हम कानून, हम बाबा साहब संविधान समानत और कानून के दायरे में काम कर रहे। इन्हों जो काम कर रहे अनलीगल दादागिरी करके पूरे हाफिसरा को डरा रहे या हाफिसर वाला को पैसे दे रहे हैं मालूम नहीं। इसको संबंध पत्र हाफिसर तालुका पंचायती अधिकारी सनूर पंचायती पीडीओ बिल कलेक्टर अध्यक्ष जो है ऑफिसर को डरा तो ऑफिस वाले ऑफिसर केस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी वाले। सुनिए मैं आज तुम्हारे माध्यम से बताना तो मैं गुलबरा उस्तुवारी आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब को मैं आज लाइव आने का वजह ये है कि प्रियंका खड़गे साहब को देखो सर कांग्रेस सरकार है बीजेपी सरकार तभी 40% सरकार बोल के नाम रखे सोए, अभी कांग्रेस सरकार आए तो 40% किसके नाम रखते हैं आप देखो सर। मैं 40% तो गवर्नमेंट अधिकारी के नाम रखने को चाहता हूँ कि बोले तो क्यों सनूर पंचायती आता, सनूर पंचायती पीडीओ बोलो बिल कलेक्टर बोलो, जो सनूर पंचायती के जो अध्यक्ष है वो बीजेपी संघ परिवार का है पहली बात। ये प्रभु लक्ष्मण जो राउर है वो भी बीजेपी संघ परिवार का माजी टीपी है और उनका बॉस बसवराज मतिमुड़ एमएलए
आज इनको ताकत है। बसवराज मत्ती मुड़ के मैच फिक्सिंग का, मैच बीटिंग का, दुनिया का पैसा है। हमारे ग्रामीण को पूरा पूरे कार्यकर्ता गरीब को पूरे रोड पे लाए सो है। इसके लिए तुम्हारे माध्यम से बोलता रहता हूँ, बसवराज मत्ती मुड़ सर, तुम्हारा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ये होराटा तब बंद खत्म होगा, मेरा होराटा। बसवराज मत्ती मुड़ साहब का मैच फिक्सिंग का बिजनेस है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, पैसा कैसा ऐसा वर्ल्ड डेलीगेशन लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर में आए उन एमएलए बनने से, बहुत सारे अनलीगल पेपर कटिंग देखे सोए, न्यूज में देखे सोए, सोलापुर में उनके वाइफ पे केस हुए सो देखे सोए, उनके बेटे पे केस हुए सोए, वो देखे मैं बोल रहा हूँ। मैं कैसे ले बोल रहा हूँ, आप मीडिया में, आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो सुन के मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे ले बोलता हूँ। इसके लिए आज ऑफिसर बोलो, कुछ भी बोलो, हर एक चीज पैसे से खरीदी कर रहा या डरा रहा बसवराज मत्ती मुड़ एमएलए। कुछ मैं नहीं जाता हूँ, क्यों ये काम क्यों नहीं बंद करते उन्होंने, मैं आपसे माध्यम से पूछता हूँ। अनलीगल काम है, भरने के लिए जगह नहीं है। फिर 1 करोड़ का सेंक्शन हुआ, डायरेक्ट डीसी ऑफिस में आता, 1 करोड़ में 50 लाख रुपया सीधा कालिंगेश्वर समिति में डालता हूँ, कालिंगेश्वर समिति में आता, उसमें डायरेक्ट निकालता। इसको कोई एस्टिमेट नहीं, कोई नहीं। जो एस्टिमेट निकाले बनाए थे पीडब्ल्यू ऑफिसर, ये पीडब्ल्यू पट्टन शेट्टी बोल के, उन्होंने जाके हम प्रियंका साहब को मनी पत्र देने के बाद पीडब्ल्यू ऑफिस जाके पट्टन शेट्टी हमारे कालूर में जाके 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठ के पूरे गांव वाले से सर्वे करके ये जो काम है ये हना दिए। यहाँ कल्याण मंडप बनने तो पानी रुक के पूरे दलित लोग को परेशान होते, उनके घर में पानी जाता बोल के, नको नहीं भरना बोल के ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऑफिसर भी उनको लेटर देते। तो भी ये प्रभु लक्ष्मण राव और संडूर पंचायती अध्यक्ष और पीडीओ और तालुका पंचायती अधिकारी ये लोग कल गांव में गए थे। गांव में जाने के बाद परिचय करके पीडब्ल्यू तालुका पंचायत अधिकारी फोन करके क्या बोलता, यह अच्छा है बा, किसका ऑब्जेक्शन नहीं, जो कल्याण मंडप जो बन रहा है वो लिंगायत कमेटी का कल्याण मंडप बन रहा। मैं आपको, मैं जातिवादी नहीं कर रहा, लिंगायत मंदिर का कल्याण मंडप बन रहा। वहाँ अगर कल्याण मंडप बंधे तो जागा रहना, जागा ही नहीं। कल्याण मंडप बनने के बाद आज दलित लोग के घर में पानी जाता विदाउट परमिशन, कोई परमिशन सर। देखो वो डायरेक्ट हमारे गांव को सीएम आया था, बीजेपी सरकार थी तभी सीएम आया था, सीएम फंड में डायरेक्ट एमएलए को, एमएलए के लेटर पैड में 1 करोड़ रुपए सेंक्शन होके उसमें खाली ये फोटो दिखा के डीसी ऑफिस में से पैसा उठा था। तुम्हारे माध्यम से डीसी मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम कोई भी गवर्नमेंट का फंड अगर रिलीज होता तो वो जागे का डॉक्यूमेंट चेक करके, जागा कौन सा गवर्नमेंट का जागा है या प्राइवेट जागा है, कोई ट्रस्ट का जागा है बोलने के बाद फंड रिलीज होना था। डीसी और डीसी पे भी मैं लोकायुक्त में गुना दाखिल करे सो, ये छोटी बात नहीं है। ये देखिए ये लोकायुक्त का केस है, बीजेपी सरकार की 12 पार्टी डीसी है, बीजेपी सरकार जिधर से फंड रिलीज हुआ डीसी ऑफिस में, मैं उनको भी पार्टी बनाया सो। क्योंकि डीसी हो या वो कोई बड़ा ऑफिसर हो, क्योंकि ऑफिसर हो डीसी हो कोई किसके लिए बनते, गोर गरीब का परेशानी हल करने के लिए डीसी बनते हैं क्या, गोर गरीब को परेशान करने के लिए डीसी बनते बोल के आप इधर जागा परिश्रमित करने का कैसा फंड रिलीज कर, मैं डीसी को भी पार्टी दे रहा हूँ। और कल जो तालुका पंचायती अधिकारी और संडूर पंचायती पीडीओ और अध्यक्ष गांव कालूर गांव गए बोलते, जाने के बाद तालुका पंचायती अधिकारी क्या बोलता, मामू तुम्हारे माध्यम से मैं बोलता हूँ, नहीं पीडब्ल्यू वाले हमारे को परमिशन दिया बोल के, पीडब्ल्यू वाले ये जागे पे नहीं भरना बोल के ऑलरेडी लेटर दिए। देखिए ये पीडब्ल्यू का लेटर है, ये कितना तारीख को दिए लेटर है बोलते हो, 18 जून को, तो ये 4-5 महीने पीछे का लेटर है। क्या बोल के वो जागा हना दिए, अगर वो जागा के पे कल्याण मंडप बंधे तो वहाँ गोर गरीब और दलित के घर में पानी जाता बोल के ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऑफिसर लेटर दिए, किसको, डीसी मैडम को और सनूर पंचायती को, तालुका पंचायती एसी मैडम को, देने के बावजूद भी आज उस जागे पे कल्याण मंडप बनता बोले तो मामू देखो यहाँ के गवर्नमेंट सर्विस क्या काम कर रहे, गोर गरीब के खिलाफ का काम कर रहे या कोई भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट एमएलए का को सपोर्ट कर रहे, आपके माध्यम से बोलता हूँ। वो बोलने के बाद मैं सीधा पीडब्ल्यू ऑफिस जाके मैं बात करा पट्टन शेट्टी को बोल के, पट्टन शेट्टी को जाके सर से रिक्वेस्ट करके, राम हम उनको परमिशन नहीं दिए, ये जो काम चल रहा है ये अनलीगल, इसको बंद करो बोल के हम लेटर दिए सो, डीसी मैडम को दिए सो, संडूर पंचायत को दिए होते, पर तालुका पंचायत एसी मैडम को दिए सो बोलने के बाद
सनूर पंचायत की जो पीडियो है और अपना पीडब्ल्यू ऑफिसर पट्टन शेट्टी डब्ल्यू सर को देने फोन पे मुखांतर बात हुए, फोन में क्या हुआ वो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूफ के साथ में करता हूँ मैं, वो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग है बोले तो पट्टन शेट्टी सर डायरेक्ट बोलता बिल कलेक्टर को, क्या बोल के बोलता, तुम जो कल्याण मंडप जो काम कर रहे ऑलरेडी राम राठौर जो समाज सेवक है गुलबरा उस्तुवारी उसने ऑलरेडी हमारे को लेटर दिया उसे, वो काम जो बना रहे तुम अनलीगल है, वो काम पे काम नहीं होना बोल के ऑलरेडी मेरे पे आपको ऑडियो रिकॉर्ड सुनाता हूँ सर। सुनिए हेलो सर, सर नमस्कार, ये सन्नूर पंचायत का पीडियो है, अभी किससे बात कर रहा? हेलो हेलो पीडब्ल्यू डब्ल्यू पट्टन शेट्टी सर ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಇದು ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾವಂತೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಗ ನಾವು ಜಾಗ ತೋರಿಸುವ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ ಓದದ್ರಿ. ನಾವ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಾ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಈ ಕಟ್ಟದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟರು ಕೂತೀರಿ ಸರ್, ಕಟ್ಟಕತ್ತವ್ರ ಯಾರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನದ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವಂತೂ ಬಿಲ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಯಾರು ನಿಮ್ ತಹಶೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವಂತೂ ನಾವಂತೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೆಟ್ರ. ಸುನೋ ಸರ್, ಯೆ ಜೋ ಹೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಸಣ್ಣೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ಪಟ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಾತ್ ಕರೆ ಸೋಯ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋಲ್ ರೇ ಹೂನ್ ಹಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀ ದಿಯೆ ಸೋ ತೋ ಭೀ ಯೆ ಜೋ ಕಾಮ್ ಜೋ ಚಲ್ ರಾ ಸಣ್ಣೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಔರ್ ಜೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇ ಉನ್ ಪೇ ಯೆ ಕೇಸ್ ಹೋನಾ ಔರ್ ಮೈ ತುಮಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂನ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂನ್ ಗುಲ್ಬಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಐಟಿಬಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಔರ್ अपने गुरुबा डिस्ट्रिक्ट के जो एम पी है राधा कृष्ण दौड़मनी सर, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार चल रहा सर, ये जो अधिकारी लोग है उनको कानून का डर ही नहीं है, अगर कानून का डर है तो आज ये गोर गरीब को इतना अन्याय नहीं होता बोल के और एक बार तुम्हारे माध्यम तेरे प्रियंका साहब को और राधा कृष्ण दौड़मनी साहब को मैं रिक्वेस्ट करके हमको इंसाफ दिलाओ साहब हमारे काला रुको और जितने भी ये सन्नूर पंचायती ये काम को जो जितने भी अधिकारी है उन पे एक्शन लेके उनको सस्पेंड करना बोल के मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।